हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 किलोवाट सोलर पावर प्लांट सिस्टम में कितनी कॉस्ट आती है 2023 में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2021 और 22 में सोलर इंडस्ट्री में दो बड़े बदलाव आए थे। पहला, जो कि सितंबर 2021 में जो सोलर कंपोनेंट्स पे जीएसटी है उसको 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया था, और 2022 में जो बीसीडी लागू की गई थी 40% पैनल्स इंपोर्ट करने पे और 25% सोलर सेल इंपोर्ट करने में जो इंडिया में पैनल बनते हैं उनके लिए। तो इन दो चीज़ों के कारण जो सोलर पैनल्स के प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अभी 2023 में आपको सोलर का जो प्राइस है वो क्या मिलेगा और मेनली क्या क्या कंपोनेंट्स लगते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सोलर पावर प्लांट है, ऑन ग्रिड पावर प्लांट की हम बात कर रहे हैं, उसकी जो कॉस्टिंग है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला, मटेरियल और कंपोनेंट आप किस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, और दूसरा कि आप किस ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं, किस ब्रांड के आप पैनल खरीद रहे हैं, किस ब्रांड का आप इन्वर्टर लगवा रहे हैं, और तीसरा आपकी साइट पर जहाँ पे आपके सोलर पैनल इंस्टॉल होने हैं वहाँ पे आपकी छत कैसी है, हाइट कितनी रखनी है, किस डायरेक्शन में पैनल लगेंगे, वो सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं, और फ्लोर कौन सा है, अर्थिंग वगैरह की वायर कितनी लगेगी, ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आपको सोलर पावर प्लांट की कॉस्टिंग क्या पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल की, कि कंपोनेंट्स जो है वो कितने तरह के होते हैं और आपको कौन सा अच्छा रहेगा। तो सोलर पावर प्लांट में जितने भी कंपोनेंट लगते हैं उसमें सबसे मेन और सबसे मेजर जो कंपोनेंट है वो सोलर पैनल्स हैं। तो पैनल्स दोस्तों काफ़ी तरह के होते हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी वाइज बात करें तो पॉली, मोनो, हाफ कट, मोनो हाफ कट, पॉली हाफ कट, बाईफेशियल, फ्रेमलेस बाईफेशियल, काफ़ी तरह के पैनल्स जो हैं वो मार्केट में आ चुके हैं। तो इन पैनल्स के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आपको पैनल्स के टाइप्स के बारे में डिटेल में जानना है तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक डाल रहा हूँ, इस पर क्लिक करके आप मेरी एक पुरानी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने सभी पैनल्स के डिफरेंसेस के बारे में बताया है। तो दोस्तों अगला जो होता है, अगला जो मेन कंपोनेंट है वो इन्वर्टर है। इन्वर्टर मेनली जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं छोटे प्लांट्स में 3, 5, 10 किलोवाट में, वो स्ट्रिंग इन्वर्टर होते हैं, उसमें भी काफ़ी सारे ब्रांड्स होते हैं। और तीसरा जो हमारा साइट है, साइट में जो स्ट्रक्चर आपका लगेगा उसकी हाइट कितनी देनी है, उसको किस डायरेक्शन में लगाना है, वहाँ पे आपके कितने फ्लोर हैं, अर्थिंग की वायर कितनी लगेगी, एसी केबल कितनी लगेगी, इन्वर्टर कहाँ पे लगना है, ये चीज़ भी डिसाइड करती है कि आपकी जो प्लांट की कॉस्टिंग है वो कहाँ तक जाएगी। तो आज की वीडियो में हम 3 किलोवाट के प्लांट की बात करेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट अगर हम पैनल की बात करें तो पैनल्स में मोस्टली दो तरह के पैनल जो हैं वो इंडिया में ज़्यादा चलते हैं। सबसे पहले हैं पॉली फुल सेल, 72 सेल वाला पैनल होता है जिसमें पॉली क्रिस्टलाइन सेल लगे होते हैं, और दूसरे होते हैं मोनो हाफ कट। मोनो फुल सेल भी चलते हैं लेकिन वो अभी उनका ट्रेंड थोड़ा कम हो गया है, ज़्यादातर या तो पॉली चलते हैं या फिर मोनो हाफ कट पैनल यूज़ किए जाते हैं। तो अगर हम इनके ब्रांड्स की बात करें तो इसमें दो तरह के ब्रांड अवेलेबल हैं, एक इंडियन है, एक जो इंपोर्ट किए जाते हैं। अगर इंडियन ब्रांड की हम बात करें तो उसमें अडानी, वारी, विक्रम, रेन्यूसिस, जैक्सन, सात्विक, हैवल्स, टाटा, लूबी, एंकर बाय पैनासोनिक और इस तरह के काफ़ी सारे ब्रांड हैं जो इंडिया में पैनल मैन्युफैक्चर करते हैं। कुछ नाम और भी हैं, अगर मैं सभी कंपनियों के, लगभग 200-250 कंपनियां इंडिया में हैं, मैं आपको वही बता रहा हूं जिनके नाम आपने सुने होंगे और जो आपके पास इजीली अवेलेबल होंगे। वहीं अगर हम इंपोर्टेड ब्रांड की बात करें तो उसमें जिंको, जा सोलर, ट्रीना सोलर, कनेडियन सोलर, REC, रेजन, एक्जीटेक, इस तरह के और भी कई सारे ब्रांड जो हैं वो इंडिया में इम्पोर्ट होते हैं और उनके पैनल भी बहुत अच्छे हैं। मोस्टली जो पैनल बाहर से इम्पोर्ट होते हैं वो मोनो हाफ कट में ही आते हैं, यानी कि वो मोनो सेल में ही इम्पोर्ट किए जाते हैं जो बाहर से पैनल इंडिया में इम्पोर्ट होते हैं, और उनकी जो वाटेज है वो लगभग 450 वाट से लेके 600 वाट तक के पैनल इंडिया में अवेलेबल हैं। और वहीं अगर हम इंडियन पैनल की बात करें, जो भी मैंने कंपनियाँ बताई हैं उनकी आपको पॉली फुल सेल, मोनो फुल सेल, हाफ कट, सभी तरह के मॉड्यूल इंडिया में
मिल जाएंगे। हालांकि प्राइसिंग की बात करें तो जो इंडियन पैनल हैं उनमें पॉली आपको सबसे कम पैसों में मिलता है, सबसे कम जो रेट है वो पॉली पैनल्स का है इंडियन ब्रांड का। उसके बाद अगर हम मोनो पे जाते हैं तो थोड़ा सा रेट जो है वो बढ़ जाता है, और अगर हम मोनो हाफ कट में जाते हैं उसका रेट थोड़ा सा और बढ़ जाता है। और सबसे महंगा अगर हम बात करें जो मोनो हाफ कट इम्पोर्टेड हमने कंपनियाँ आपको बताई हैं उनके पैनल सबसे महंगे होते हैं और क्वालिटी में भी अच्छे होते हैं। लेकिन इंडियन ब्रांड में भी कुछ ऐसे ब्रांड हैं जो क्वालिटी भी अच्छी देते हैं लेकिन उनका अपने ब्रांड के हिसाब से रेट जो है वो पॉली पैनल का बाहर के इम्पोर्टेड मोनो के बराबर है। जैसे कि हम टाटा और हैवल्स की बात करें तो वो आपको कॉस्ट वाइज बाकी कंपनियों से, बाकी इंडियन ब्रांड से थोड़े महंगे पड़ेंगे। और अगर टाटा में एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, टाटा कभी भी आपको अकेले पैनल सेल नहीं करता है, उनकी एक पूरी किट आती है जिसमें पैनल्स, इन्वर्टर जो टाटा सजेस्ट करता है अपने हिसाब से किसी भी ब्रांड का हो सकता है, मोस्टली सॉलिस या गुडवी का मैंने देखा है कि उनकी किट में इन्वर्टर आता है, और उसके बाद स्ट्रक्चर, वायरिंग, एसी केबल, डीसी केबल, एसीडीबी, डीसीडीबी सभी जो कंपोनेंट है वो आपको टाटा अपने पास से पूरी किट में देता है। इन्वर्टर में भी इसी तरह से इंडियन ब्रांड भी हैं और इम्पोर्टेड ब्रांड भी हैं। इंडियन ब्रांड की अगर बात करें तो उसमें आपको लुमिनस, हैवल्स, वारी, माइक्रोटेक, किर्लोस्कर, पॉलीकैब और एंकर बाय पैनासोनिक इन्वर्टर मिल जाएंगे इंडियन ब्रांड्स में। और वहीं अगर हम इम्पोर्टेड की बात करें तो आपको सॉलिस, सोफार, ग्रोवाट, हिटाची, एबीबी जिसका नाम अभी फीमर है, सनग्रो, सोलर एच, फ्रोनियस, इस तरह के इम्पोर्टेड इन्वर्टर मिल जाते हैं। इनमें से अगर फेमर, ग्रोवाट और एबीबी, फ्रोनियस, सोलर एज की बात करें तो ये थोड़े से हायर रेंज के इन्वर्टर हैं और उनकी क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी है जितना उनका रेट अच्छा है। तो दोस्तों इन्वर्टर और पैनल जो हैं वो लगभग 60-70% कॉस्टिंग करते हैं आपके प्लांट की। इसके बाद जो मटेरियल बच जाता है वो स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर बेसिकली जिस पे आपके पैनल फिट किए जाते हैं उसमें सी चैनल आता है, स्ट्रट चैनल आता है, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर आते हैं। उसके स्ट्रक्चर पे भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, आप आई बटन में देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डाल दूंगा। अगर आप स्ट्रक्चर पे ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहते हैं कि आपको कौन सा लगवाना चाहिए। और अगले जो कॉम्पोनेंट है दोस्तों, एक ACDB लगता है और एक DCDB लगता है। ACDB मतलब AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, DCDB मतलब DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। जो भी आपकी AC सप्लाई है पहले ACDB में जाती है फिर इन्वर्टर में जाती है, और जो DC सप्लाई है वो पैनल से पहले DCDB में जाती है फिर इन्वर्टर में जाती है। इन सभी चीज़ों के बाद आती है अर्थिंग, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके प्लांट और आपकी सेफ्टी के लिए। अर्थिंग किस क्वालिटी की और कैसी करवाई जा रही है, कैसी आपको अर्थिंग प्रोवाइड कर रहे हैं या आप कौन सी लगवाना चाहते हो, उस अर्थिंग में भी आपकी जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी डिपेंड करती है। आप GI की अर्थिंग ले रहे हो, आप GI की तार ले रहे हो, कॉपर फ्लेक्सिबल ले रहे हो, हार्ड कॉपर की ले रहे हो, उसके बाद के जो खर्चे बचते हैं दोस्तों वो इंस्टॉलेशन के, ट्रांसपोर्टेशन के, बिजली बोर्ड की जो फीस होती है, मीटर का खर्चा होता है, और बाकी का जो भी छोटा मोटा खर्चा आपकी साइट पे जो प्लांट लगाने के टाइम होता है वो सब इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। तो अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो मैं आपको एक एस्टीमेट बता रहा हूँ कि आपकी कितनी कॉस्टिंग आ सकती है 2023 में अगर आप 3 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाते हैं। तो दोस्तों मेनली जो कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ है वो पैनल्स ही हैं। अगर आप पॉली पैनल्स के साथ जो मैंने इन्वर्टर आपको बताए हैं उनमें से जो इंडियन ब्रांड है या जो इम्पोर्टेड नॉर्मल ब्रांड है, ग्रोवाट, सोफार, सॉलिस वगैरह, अगर आप वो इन्वर्टर लेते हैं और साइट आपकी नॉर्मल है तो आपको 3 किलोवाट का जो प्लांट है पॉली पैनल्स के साथ वो लगभग आपको 1,80,000 रुपया कॉस्ट करेगा अच्छा प्लांट। मैं ये नहीं कह रहा कि इतने से कम नहीं लग सकता, बहुत लोग 1.5 लाख में भी आपको ऑफर करेंगे, बहुत लोग आपको 1,60,000 में भी ऑफर करेंगे, लेकिन एक अच्छी क्वालिटी का प्लांट जो है वो आपको कम से कम 1,80,000 रुपये कॉस्ट करेगा। और अगर हम वहीं पर बात करें, अगर आप मोनो पैनल्स में जाते हैं या फिर आप टाटा या हैवल्स की तरफ जाते हैं या आप जो कनेडियन सोलर है, ट्रीना है, जिंको या इम्पोर्टेड पैनल मोनो हाफ कट में जाते हैं तो उसमें आपको लगभग 1,95,000 रुपये से लेके 2 लाख रुपये तक कॉस्ट आ सकती है सोलर पावर प्लांट की, क्योंकि जो मोनो या इम्पोर्टेड पैनल जिनको हम कह रहे हैं वो पॉली पैनल से वैसे भी कॉस्टली होते हैं और इम्पोर्टेड है इसलिए थोड़े अभी ज़्यादा कॉस्टली, क्योंकि उन पे 40% BCD
पे करनी पड़ रही है कंपनियों को जो भी यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये पैनल यूज करने पे जैसे कॉस्टिंग बढ़ती है तो थोड़ी सी कॉस्टिंग कम भी होती है, जैसे कि पैनल्स के रेट ज़्यादा हैं, लेकिन अगर हम पॉली पैनल लगाते हैं तो 3 किलोवाट में लगभग 9 पैनल लगते हैं अगर हम बेसिकली 335 वाट के पैनल यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम वहीं पे मोनो पैनल लगाते हैं 500 वाट के या 550 वाट के, तो वो आपके 6 पैनल में ही आपका 3 किलोवाट पूरा हो जाता है। तो जहाँ पे 9 पैनल का स्ट्रक्चर लगना था वहाँ पे 3 पैनल का ही स्ट्रक्चर लगेगा। तो इस तरह से थोड़ी सी कॉस्टिंग कम होती है, लेकिन जितनी ज़्यादा बढ़ती है पैनल्स की वजह से, उसकी वजह से जो मैंने आपको डिफरेंस बताया 15,000 का डिफरेंस आपको नॉर्मली मिलेगा अगर आप इंडियन ब्रांड को छोड़ के इम्पोर्टेड या फिर मोनो हाफ कट इंडियन ब्रांड में लेते हैं, अडानी विक्रम जो भी मैंने आपको नाम लिए हैं कंपनियों के। तो जब भी आपने प्लांट लगवाना है आपने यही देखना है कि आपको कौन सी कंपनी सर्विस अच्छी दे सकती है, आपका जो वेंडर है वो आपको क्या क्या ऑफर कर रहा है, उनमें से आप कोई भी कंपनी चूज कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको एक ही कंपनी पे फोकस करेंगे कि नहीं सर आपको यही लगवानी चाहिए, तो आप 3-4 वेंडर से कोट लेके उसमें से आप फाइनलाइज कर सकते हैं कि आपको कौन सी कंपनी में जाना है जो आपको सर्विस अच्छी दे सके। मेनली जो इन्वर्टर की सर्विस जो है मैटर करती है, पैनल्स में इतना ज़्यादा कोई दिक्कत आती भी नहीं है और उसकी सर्विस का कोई इश्यू भी नहीं है। तो इन्वर्टर आपको कौन सा लेना चाहिए जिसमें आपको सर्विस अच्छी मिल सके, और अगर आपको वेंडर आपको भरोसा दिला रहा हो कि ये जो इन्वर्टर है ये मेरे लिए और आपके लिए बेस्ट है, इसमें आपको प्रॉपर सर्विस मैं दिला सकता हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।